इस वेले आ रही सब तो वड्डी समस्या तो पंजाब दे विच लिफ्टिंग ने रफ्तार फड़ ली है। वड्डी खबर है, दस दिए कि पिछले छह दिनों दे विच तीन गुणा लिफ्टिंग वधी है। 26 अक्तूबर नू लिफ्टिंग जिहड़ी है 3.83 लाख मीट्रिक टन हुई है। 25 अक्तूबर नू लिफ्टिंग 2.82 लाख मीट्रिक टन हुई सी। 24 नू यही अंकड़ा 2.62 लाख मीट्रिक टन सी। 23 अक्तूबर नू 2 लाख दे करीब मीट्रिक टन सी। 22 अक्तूबर नू 2.3 लाख करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन सी। और 21 अक्तूबर में ही अंकड़ा 1.39 लाख मैट्रिक टन जी है लिफ्टिंग हुई सी। कुल मिला के रफ्तार जी है वह फड़ती हुई लिफ्टिंग नजर आई है, क्योंकि लिफ्टिंग का ही इस वेले वड्डा एक समस्या जिसे कारण है वह बनिया हुआ है। और इसकी वजह के नाल धरने लगे हुए ने, हाईवे जाम हुए हुए ने। और हुण एक खबर आ रही है कि 6 दिनों के 3 गुणा लिफ्टिंग वधी है, यानी कि कितने ना कितने रफ्तार जी है लिफ्टिंग ने फड़ ली है। और हुण आने वाले दिनों में जिसका जिक्र वार बार सरकार कर रही है कि समस्या का हल असी कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के हो जाएगा, तो उसे दी ही एक तस्वीर जी है वह नज़र आई है। एक अंकड़ा जोड़ा है वेखन मिलया है, तो 26 अक्तूबर यानी कि बीते दिन जी खरीद हुई लिफ्टिंग हुई है वह 3.83 लाख मीट्रिक टन हुई है। 25 अक्तूबर में यही अंकड़ा 2.82 लाख मीट्रिक टन से। पंकज कपाही ने मेरे सहयोगी फोनलाइन से, पंकज लिफ्टिंग दे विच रफ्तार आई है तो की कुछ हुण तक का अंकड़ा, हालांकि असी दस भी रहे हैं पिछले 6 दिनों का यह अंकड़ा, और की कुछ इस वेले जी पूरी अपडेट है? देखो पिछले 5-6 दिनों तो लगातार लिफ्टिंग लैके जो जिसते सियासी वार भी हो रहा था और पंजाब सरकार के निशाने से जोड़ा वै वो लगातार बीजेपी निशाना साध रही थी कि अभी पैसे जारी कर दिए लेकिन लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही। तो हूँ पंजाब सरकार के वालों आंकड़े जोड़े ने दिए गए हैं और पिछले 6 दिनों से जिक्र किया जाए तो यह इस गल का जिक्र किया गया है कि 21 अक्तूबर जिथे 1.39 एल एम टी सी उ इसकी रफ्तार जी है 26 अक्तूबर तक वे 3.83 एल एम टी जी हो गई है। बकायदा वेरवे जे दिए गए हैं कि 21 तरीक न कि लिफ्टिंग हुई थी, 22 कि हुई थी, 23 कि हुई थी। और क्योंकि पिछले दिनों अं ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद जोड़ा वै वो लगातार मंडिया की रिपोर्ट मांग रहे थे, नजर बना के बैठे हुए थे, मीटिंगा का दौर भी चल रहा, तो उसके मद्देनजर हूँ जिथे मंडिया के लगातार झोना पहुंच रहा और खरीद को लेके सवाल उठ रहे थे, तो सरकार के वालों यह आंकड़ा दिता गया है कि जिस तरीके के लिफ्टिंग के वड्डा एक इजाफा होया वै उसके सारे वेरवे जोड़े पंजाब सरकार के वालों दिए गए। और पंजाब सरकार के वालों कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जोड़ा वै वो शैलर मालकों से आड़तियों के नाल गलबात कर रहे थे और उसके के मद्देनजर हूँ लिफ्टिंग की रफ्तार जी वधी है, क्योंकि कल लालचंद कटारू चक जे कैबिनेट के वजीर ने उन्होंने भी कहा कि इस वे की पोजिशन है, गन्ना मंडी कि झोना चुकया गया वै, कि लिफ्टिंग हुई है, उसके भी सारे आंकड़े जोड़े है रखे गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी लिए, धन्यवाद है। तो लिफ्टिंग की रफ्तार पड़ी है पंजाब के और पंजाब के आंकड़ा अहम है और ग्राफिक के जरिए असं तो दिखा रहे हैं दिखावे कि किस तरीके अंकड़ा है, क्योंकि 26 अक्तूबर बीते दिन 3.83 लाख मीट्रिक टन जी है लिफ्टिंग हुई है। 25 अक्तूबर में ही अंकड़ा 2.82 लाख मीट्रिक टन से। 24 अक्तूबर में 2.62 लाख मीट्रिक टन से और 23 अक्तूबर में 2.04 लाख मीट्रिक टन से यह अंकड़ा। तो 22 अक्तूबर में यही 2.5 करीब है, यानी कि 2.3 लाख मीट्रिक टन से। तो 21 अक्तूबर में 1.39 लाख मीट्रिक टन से, यानी कि 6 दिनों के रफ्तार लिफ्टिंग ने फड़ी है। उधर सीएम मान ने किसान जथेबंदियों को अपील की है, उन्होंने कहा कि सड़कों पर बहना समस्या का हल नहीं है। रोज रोज के धरनों तो लोग परेशान होंगे ने, उन्होंने कहा है, और लोड़ तो वध कोई भी चीज़ जी है वह माड़ी है, तो मुश्किल तो सानू पता है। उन्होंने कहा कि असी लगे हुए हैं खरीद लिफ्टिंग का हल कर रहे हैं। कल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री JP नड्डा को सीएम मान मिले सन, तो केंद्रीय मंत्री के को DAP का मुद्दा चुकया और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने भरोसा दिता है कि खाद जी है वो वह दी जाएगी और इस ही उन्होंने किसान जथेबंदियों को अपील की। सड़कों पर बहना कोई बहुता ज़्यादा लोगों को तंग करना या कोई हर गलते फिर ज़्यादा हो जाता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सानू भी पता है समस्यावान का मुश्किल का, पर जिमें जिमें साढ़े को मंडिया
झोना आ रहा खरीद हो रही है, सीसीएल रही पैसे जा रहे ने, तुल भी रही है, आड़तियों की समस्यावान हल ने, कल शैलर की प्रॉब्लम है वो सेंटर नाल है। तो हर गलते मतलब अज असी हाईवे रोकांगे, अज असी फिर कहें जी मजबूरी है, ऐदा ना करो। मैं मंडियों में रहा हूँ जी, बिट्टू जी को मंडी का क्या पता है, मैं रही मंड मैं पैदा ही मंडियों में हुआ हूँ, और जो आंकड़े दे रहे थे उनको चाहिए अब मंत्री बन गए हैं, कम से कम अफसरों के साथ बात करके सही आंकड़े पेश करें कि कितना धान हर रोज आता है, कितना दिखता है, कितना तुलता है, कितना उठता है। आप ऐसा करना, बिट्टू जी को पूछना कि चार की होता है, कद चार बेचे उन्हें पूछो, ये सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको पता क्या पता मंडियां क्या होती हैं। तो अज असी नड्डा साहब ने गल की है कि कणक वास्ते डीएपी की लोड़ होगी, तो सानू जिन्ना डीएपी चाहिए पर मंथ या जिन्ना सानू स्टॉक चाहिए वो साढ़े को अजे तक पहुंचे नहीं, क्योंकि साडा सीजन जेड़ा है ये 10 नवंबर तो 15 नवंबर तक ही असी बीजनी होंगी है कणक, सानू तो 15 नवंबर तक चाहिए, बाकी देश के दे सूबे जोड़े ने उन्होंने लेट भी चाहिए होंगे, तो सानू पहला दे दो, असी तो 50% के कंट्रीब्यूटर हाँ, सानू पहला दे दो, बाद जिमें जिमें तो शिप आते रहे उमें उमें तुम दूसरे सूबे देंदे रहे हो। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पोंस दिता कि असी पंजाब नू